हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं हूं विश्व। तो आज के इस वीडियो में हम लोग जानने वाले हैं कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में जब हम हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करते हैं तो उसका कलर कैसे बदलते हैं। बहुत ही आसान से स्टेप्स में समझेंगे। तो उसके लिए सबसे पहले एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। तो उसके लिए हमको जाना है यहाँ ऊपर के रिबन में इंसर्ट टैब में, इस पर क्लिक कर दीजिए। उसके बाद जाना है शेप्स में, इसके ड्रॉप डाउन पर क्लिक करिए और यहाँ लाइन वाले सेक्शन में पहला वाला ऑप्शन यानी कि लाइन सेलेक्ट कर लीजिए। तो ये देखिए प्लस साइन बन करके आ गया। अब हम एक हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ड्रॉ करेंगे। ठीक है, ये हमने एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर दी। जब इस लाइन को आप ड्रॉ करेंगे तो इस लाइन को सेलेक्ट ही रहने दीजिएगा। अगर सेलेक्ट ना हो तो सेलेक्ट कर लीजिएगा। सेलेक्ट कैसे पता चलेगा, दोनों तरफ आपको ये छोटे छोटे सर्कल दिखाई पड़ेंगे, इसका मतलब ये लाइन सेलेक्ट है। ये मैं क्यों कह रहा हूँ कि जब ये लाइन सेलेक्ट होगी तो ऊपर एक नया टैब आपको दिखाई पड़ेगा शेप फॉर्मेट का। ये तभी दिखाई पड़ेगा जब लाइन सेलेक्ट होगी। ठीक है, तो इस पे इसको सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद हमको जाना है शेप आउटलाइन वाले ऑप्शन पे। ठीक है, इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिए। सबसे पहले मैं इसकी विड्थ थोड़ी बढ़ा देता हूँ क्योंकि तब आपको क्लियरली कलर समझ में आएगा। तो यहाँ पर देखिए विड्थ का ऑप्शन है, यहाँ पर कर्सर ले जाइए और यहाँ से अपनी मनचाही विड्थ आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो हमने सेलेक्ट कर लिया। ठीक है, वापस से चलते हैं शेप आउटलाइन पे। ये रहा शेप आउटलाइन वाला ऑप्शन। ठीक है, इसके ड्रॉप डाउन पे क्लिक करिए और यहाँ से अपना मनचाहा कलर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। जो कलर आप सेलेक्ट करेंगे आपकी लाइन उसी कलर में आ जाएगी।